दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। कहते हैं कि नाकामी छुपाने के भी लोग बहाने खोजते हैं, लेकिन हमारे जो मौजूदा सत्ताधारी हैं वो नाकामी छुपाने के उस्ताद हैं। उनको बहाने नहीं खोजने पड़ते हैं, वो फार्मूले खोज लेते हैं। अभी कितने फार्मूले हैं, ये नाकामी क्या है, आप सब समझ रहे हैं, पूरी दुनिया समझ रही है। पहले तो कोरोना को एड्रेस करने में, उसको समझने में, उसको कैसे उससे निपटना है, इसमें सरकार ने, आपको याद होगा, 21 दिन में खत्म करने का, ताली थाली बजाने का, फिर अचानक कहने का कि नहीं हम तो जीत लिए हैं जंग, अब तो हम गुरु हो गए पूरी दुनिया में कि कैसे कोरोना को खत्म किया जाता है, कैसे उससे निजात दिलाई जाती है देश को, और हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। थोड़े दिन पहले ये बात की गई थी, फरवरी महीने में, ज्यादा दिन नहीं हुआ, और संभवतः वो तारीख 21 फरवरी थी। सत्ताधारी दल की कार्यकारिणी में ये कहा गया था और अपने देश के प्रधानमंत्री को उसके लिए बहुत शाबाशी दी गई थी, ये सत्ताधारी दल ने किया था। लेकिन कोरोना से निपटने में क्या हाल हुआ, दूसरी फेज में आज भारत के गांवों की क्या स्थिति है, शहरों की क्या स्थिति है, महानगरों की क्या स्थिति है, पूरे देश के प्रदेशों की क्या स्थिति है, राजधानियों की क्या स्थिति है, सब पूरी दुनिया अब जान गई है, अब छुपाना नहीं है। दूसरी जो बड़ी नाकामी कि चलो पहले तो आपने ये सब लोगों को भुलावे में रखा, आपने कहा कि टीका यानी वैक्सीनेशन में भारत अव्वल होने जा रहा है। वैसे भी हमारी बैकग्राउंड थी, हमारे पास टीका और वैक्सीन का एक बहुत पुरानी पृष्ठभूमि थी, तो वाकई हम हो सकते थे, पूरी दुनिया में सिरमौर हो सकते थे, लेकिन उसमें भी हम फिसड्डी हो गए। हमने कहा कि टीका उत्सव करेंगे, लेकिन यहां टीका उत्सव तो हो गया लेकिन टीका गायब हो गया, और आंकड़े पर छूट के छूट परोसे जा रहे हैं। अभी पूरे देश का आंकड़ा जो है, दो डोज जिन्होंने वैक्सीन का लिया है वो बामुश्किल 3% के आसपास है। तो ये हाल है, अब कहा जा रहा है कि दिसंबर तक इतने करोड़ नए टीके आ जाएंगे, तब हम लोगों को लगवा लेंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। हम तो चाहते हैं कि हर हालत में लोगों को टीके मिले, ताकि जल्दी से जल्दी इस महामारी से निपटने में उनकी दक्षता, उनकी ताकत, उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत हो। लेकिन दोस्तों, जो हम नाकामी की बात कर रहे हैं कि छुपाने के तरीके, अब देखिए क्या हो रहा है देश में। सबसे पहले अभी हाल के दिनों की बात कर रहा हूं, वैसे तो सब कुछ होता रहता है, हर 7 दिन पर एक नया अच्छी गुफा छोड़ती है सरकार। हम जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा का जो मामला है वो क्या है, किस तरह से कचहरी में, कोर्ट में, अदालतों में क्या क्या चल रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो पुरानी बात हो गई। सबसे ताजा, जब पूरा देश महामारी से त्राहिमाम कर रहा है, वैसे अचानक बंगाल की खाड़ी में ऐसा लगता है कि फिर से तूफान आ गया। आपने चार जो वहां के नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, जिस पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता ने दिया, आप वहां जीत रहे थे, आप वहां सरकार बना रहे थे, दावा आपका यह था कि भाजपा की सरकार बन रही है, चारों खाने चित, लेकिन जनता को भी आपने, जनता के जनादेश को भी आपने एक सप्ताह भी चैन से रहने नहीं दिया, और आपने फौरन चार वहां के लोगों को, टीएमसी के नेताओं को, जिसमें दो मंत्री भी थे, पूर्व मेयर थे, जो बीजेपी में गए, बीजेपी से बाहर आ गए, तो आपने उनको भी चखा दिया मजा, और चार लोगों को आपने सीबीआई के उसके जरिए आपने अरेस्ट करवा लिया। सीबीआई की अदालत में उनको शाम तक अदालत बेल मिल गई, फिर सीबीआई चली गई हाईकोर्ट से, वो जमानत रद्द हो गई, अब फिर से सुनवाई होगी। अब मेरा ये कहना है कि ये जो मामला है 2014 के आसपास का है, 2016 में ये मामला प्रकाश में आया, और इसके बाद करीब करीब 3 साल पहले चार सीट हो गई, तब से ये मामला नहीं हो रहा था, इसलिए कि मुकुल राय जो टीएमसी में थे, जो इस मामले में बड़े अभियुक्त रहे हैं, वो बीजेपी में है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी जी वो तो बिल्कुल बड़े टारगेट थे, वो बीजेपी में है, दोनों लॉन्ड्री में धुलकर आ गए, और बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन दूसरों पर कार्रवाई। तो ये पूरा का पूरा जो मसला उठाया गया है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये ममता बनर्जी को केवल परेशान करने के लिए, दोस्तों ये परेशान करने के लिए है, नो डाउट, लेकिन असल कहानी ये भी है कि कैसे कोरोना के मोर्चे पर सरकार की जो बड़ी नाकामियां हैं
उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए कैसे दूसरी तरफ खींचा जाए। एक तो ये, दूसरी एक फिर से एक आ गया है टूल किट। आपको याद होगा ज्यादा दिन नहीं हुआ, जनवरी 26 जनवरी के मामले में किसान आंदोलन का जो मामला आया था, दिशा रवि कर्नाटक की बंगलुरु की एक लड़की जो बहुत प्रतिभाशाली लड़की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बताया गया कि कंस्पिरेसी कर रही थी 26 जनवरी के लिए, और अदालत में सरकार चारों खाने चित, उसको न केवल बेल हुई बल्कि उस पर लगाए गए जो इल्जामात थे पुलिस के वो सारे के सारे खारिज कर दिए गए दिल्ली की अदालत में, और उसको बकायदे बाइज्जत जमानत मिल गई। तो वो भी एक टूल किट था। अब एक नया टूल किट लाया गया है, वो क्या कि विपक्षी पार्टी जो है देश की बड़ी पार्टी, वो एक टूल किट लेकर के और कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही है भारत के माननीय प्रधानमंत्री की और अन्य नेताओं की छवि खराब करने की। अब ये जो पेपर दिखाया जा रहा है कि ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, उस पार्टी की जो रिसर्च विंग है उसने ये निकाला है, इस पर भी बहुत सारी सफाई आ गई। लेकिन टेलीविजन कोरोना कोविड इसकी जो त्राहिमाम मचा हुआ है उसको दिखाने के बजाय दो दिन से टूलकिट दिखा रहे हैं, कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन जो न्यूज चैनल इस देश के हैं वो इस सरकार के बड़े हथियार हैं, ताकि जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा सके, जनता को कैसे उसकी प्रायोरिटी उसकी प्राथमिकताओं से उनका ध्यान हटाया जा सके। और तीसरी बात नाकामी को छुपाने का, आरएसएस के चीफ ने मोहन भागवत जी उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जो स्थितियां पैदा हो गई हैं उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। क्या बात है! अब उन्होंने पूरी पृथ्वी को नहीं कहा, ब्रह्मांड को नहीं कहा, वही गनीमत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। चलो सरकार को भी ले लिया, पूरी दुनिया सरकार को मान रही है, तो आरएसएस चीफ बेचारे जो पैट्रन है इस पूरे के पूरे परिवार के, वो क्यों ना माने। तो उन्होंने मान लिया। बहुत सारे लोगों ने समझा कि मोदी सरकार और आरएसएस में लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल ये मैं समझता हूं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। दरअसल अगर आप देखिए तो वो भी नाकामी को छुपाने का एक जरिया था कि सरकार की नाकामी को उस पर बोलने के बजाय आप कहिए जनता। क्या जनता ने कुंभ आयोजित किया था? क्या जनता ने पंचायती राज चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन किया था? आप कहते हैं कि नहीं हाई कोर्ट ने किया। अरे भाई हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को चैलेंज किया जाता है फिर से दोबारा चली जाती है कोर्ट सरकार। यहां तो हाई कोर्ट की बात, अभी फैसला होता है और शाम तक सुप्रीम कोर्ट में रिट हो जाती है उत्तर प्रदेश सरकार की। अगर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अमुक समय तक चुनाव को कंप्लीट कीजिए तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकती थी कि जनाब ये हालात हैं, ऐसी स्थिति में नहीं होगा। और अब तो हाई कोर्ट से भी आ चुकी है सफाई एक ऑब्जर्वेशन में कि उनके सामने सारे ब्यौरे रखे जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में भी रिव्यू रखा जा सकता था, लेकिन पंचायत राज चुनाव, और उस चुनाव में क्या हुआ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कितने शिक्षक, और आम जनता की बात छोड़िए, आम जनता की बात इसलिए छोड़ने की बात कर रहा हूं कि पंचायती चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में एक तरह से संक्रमण का बंटवारा हुआ, प्रसार हुआ, ये सुपर स्प्रेडर था ये चुनाव, और ये जो स्थितियां पैदा हुई उनसे डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि जनता भी दोषी है। तो जनता ने चुनाव तय किया? क्या जनता ने रोड शो तय करती है? क्या जनता ने बंगाल में लाखों की रैलियां की? क्या जनता ने 8 चक्र में चुनाव करवाए बंगाल के, जब सारे दल कह रहे थे कि नहीं 4 चक्र जो बचे हुए हैं 4 फेज उनको एक ही फेज में कर लिया जाए? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि नहीं 4 चक्र होना चाहिए, 4 चरण के चुनाव होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता क्या दोषी है? तो मैं समझता हूं कि कुंभ और चुनाव जो इतने चरणों में किए गए, जो सुपर स्प्रेडर साबित हुए कोरोना के, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए अब तीनों को लपेटा जा रहा है कि जनता भी जिम्मेदार है। अरे जनता निर्दोष है, जनता सरकार चलाती है देश, जनता देश नहीं चलाती है। जनता सिर्फ चुनाव में वोट दे देती है कि कौन चलाए कौन नहीं चलाए। आपको चुनाया जनता ने और जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और बिल्कुल अंत में दोस्तों एक और बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अभी एक उठाया गया सवाल
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में एक मलेरकोटला जिला सिर्फ इसलिए बना दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम माइनॉरिटी वहां पर मेजॉरिटी में है। अब एक जिला बनाने पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोस रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने जिले बनते हैं कोई कोई दूसरा मुख्यमंत्री इंटरवीन करता है? नहीं करता। लेकिन मलेरकोटला चूंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एक कस्बा है वो जिला बन गया तो बहुत तकलीफ। क्या मालूम है मलेरकोटला की हिस्ट्री? मलेरकोटला सांप्रदायिक सद्भाव का एक नमूना है। और बहुत संक्षेप में मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के दशम गुरु थे, महान नेता, महान योद्धा, महान शिक्षक, महान मार्गदर्शक, उन गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे जिनकी उम्र 7 और 9 साल थी, जोरावर सिंह की 9 साल, फतेह सिंह की 7 साल, जब उनको चुना गया दीवालों में, चुन दिया गया था, ये सरहिंद के जो सूबेदार साहब थे वहां के जो रूलर थे, ये 1705 की घटना है, दोनों बच्चों को वहीं पर पकड़ा गया था और उनको एक दीवाल खड़ा करके उसमें उनको एक तरह से खत्म किया गया था। उसका विरोध किया था मलेरकोटला के नवाब ने, उनका नाम था शेर मोहम्मद खान, नवाब थे, सूफी संतों की परंपरा से जुड़ा हुआ उनका परिवार था और ये 15वीं सदी की जड़ें हैं सूफी संतों की, इस परिवार की, और इस नवाब ने विरोध किया था। तब से गुरु गोविंद सिंह की अगुवाई में पूरे सिख कौम ने मलेरकोटला के नवाब को अपने खून का हिस्सा माना, अपने 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 समाज का, अपने समुदाय का, अपनी विरासत का हिस्सा माना। मलेरकोटला वो कस्बा है जहां पर आजादी के बाद जो कम्युनल राइट पंजाब में हुए थे दोनों तरफ के पंजाब में, लेकिन मलेरकोटला के कस्बे को किसी ने टच नहीं किया। इसलिए योगी जी प्लीज मलेरकोटला को सैल्यूट कीजिए और जो भी किया गया है उसको भी सैल्यूट कीजिए। हमारे देश की आन बान शान है मलेरकोटला, ये सिखों की ही नहीं हमारी पूरी विरासत है मलेरकोटला, सांप्रदायिक सद्भाव की। तो बस आज इन्हीं शब्दों के साथ इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।